हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट के फर्स्ट चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय हम ये देखेंगे कि पार्टनर्स ने किस टाइप से ड्राइंग किया हुआ है, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने कैसे पैसा निकाला हुआ है ना, गुड्स या पैसा कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में पहले ही बता दिया है कि ये हो सकता है कि पार्टनर्स क्या करें, पर मंथ निकालें पैसा, ये भी हो सकता है कि पर मंथ निकाल रहे हैं मंथ के शुरुआत में ही निकाल लें, या ये हो सकता है कि मंथ के लास्ट में निकालें, है ना। तो जैसे भी वो पैसा निकालेंगे, है ना, जिस टाइम पे ही वो पैसा निकालेंगे उसके हिसाब से हमको अलग अलग उसका इंटरेस्ट निकालना होगा, उसकी कैलकुलेशन करनी होगी, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ, उसको बिल्कुल ध्यान रखना है। यदि पार्टनर्स पर मंथ पहले ही दिन में ड्राइंग कर लेते हैं, है ना, हर महीना निकालेंगे और एक ही तारीख को, पहली तारीख को ही वो निकाल लिए। एग्जांपल के लिए जैसे मान लो 1 जनवरी को निकाल लिया, 1 फरवरी को निकाल लिया, 1 मार्च को निकाल लिया, ऐसा करके अगर निकालते हैं, है ना, तो हम इंटरेस्ट पूरे ईयरली का कैसे निकालेंगे। टोटल इंटरेस्ट हम निकालेंगे 6.5 मंथ के लिए, ये रूल्स में है, क्लियर है। पहला रूल क्या मैं बताया, 6.5% 6.5 मंथ का ब्याज लगेगा अगर मान लो पार्टनर्स हर मंथ के शुरू ही तारीख में, है ना, शुरू डेट में ही निकाल लेते हैं तो, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि पार्टनर्स क्या करें, मंथ के लास्ट डेट में निकालें, पर मंथ निकालें और मंथ के लास्ट डेट में निकालें, है ना। तो हमको 5.5 महीने का इंटरेस्ट उससे लेना होगा, कितने महीने का, 5.5, ठीक है, 5.5 महीने का हमको इंटरेस्ट उससे लेना होगा, क्लियर है क्या इतना, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पार्टनर्स मंथ के मिडिल सेशन में निकालें, मतलब बीच में निकालें, 15 तारीख को निकाल लिए या 16 तारीख को निकाल लिए, है ना। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो हम टोटल अमाउंट का 6 मंथ पर ब्याज लगाएंगे, क्लियर है। तो तीनों चीज़ें फिर मैं एक बार बता दूं, आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है। अगर पार्टनर्स पर मंथ निकालते हैं और मंथ की पहली तारीख को निकाल लेते हैं, है ना, तो हमको कितना महीने का इंटरेस्ट लगाना है, 6.5 महीने का, ठीक है। अगर मान लो वो मंथ के लास्ट लास्ट में पैसा निकालते हैं, 31st को या 30 तारीख को, है ना, इस तारीख में अगर वो पैसा निकालते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो हमको क्या करना है बेटा, कितने मंथ का लगेगा, 5.5 महीने का लगेगा, है ना। और अगर मान लो वो निकालते हैं पैसा मिडिल सेशन में, महीने के बीच में, है ना, मंथ के बीच भी बीचों बीच वो पैसा निकाल रहे हैं, कभी 15 को निकाल रहे हैं या 14 को निकाल रहे हैं या 16 को निकाल रहे हैं, है ना, इस डेट पे अगर ऊपर मंथ ड्राइंग कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम उनसे इंटरेस्ट कितने महीना का लेंगे, 6 महीने का, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है और इसी के हिसाब से हमको क्वेश्चन आगे करने होंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग जल्दी से निकालेंगे, जिसमें दिया हुआ है जॉन इब्राहम अ पार्टनर्स इन मॉडर्न टूर एंड ट्रेवल्स, ठीक है, मिल गया आप लोगों को। कंपनी विड्रॉ मनी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 2006 फ्रॉम हिज कैपिटल अमाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज, ओके, कैलकुलेटेड इंटरेस्ट इन ड्राइंग इन ईच of the following alternative situations if rate of interest is 9% per annum, okay. First condition दिया हुआ है यहाँ पे, if withdraw 3000 per month at the beginning of the month. Second situation में क्या दिया हुआ है, if the amount 3000 per month was withdraw by him at the
एंड ऑफ ईच मंथ सी में दिया हुआ है। सी वाला पॉइंट देखेंगे, इफ द अमाउंट विदड्रॉ वेयर 12,000 ऑन 1st June, 8,000 ऑन 31st August 2005, 3,000 ऑन 30th September 2005, 7,000 ऑन November 2005 एंड 6,000 ऑन 31st January 2006। ओके, ये क्वेश्चन है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 28। इसको थोड़ा सा हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। जॉन अब्राहम मॉडर्न टूल एंड ट्रेवल्स कंपनी के पार्टनर्स हैं, ठीक है। इनका जो अकाउंटेंसी चलती है उसको हम क्लोज करते हैं 31st March, ठीक है। 31st March को क्या करते हैं, वो क्लोज करते हैं अकाउंटेंसी को, ठीक है। उन्होंने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकाले हुए हैं, है ना, जिस पर हमको 9% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है। ABC करके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में क्या बोल रहा है, यदि वह हर महीने के प्रारंभ में शुरू में ही 3,000 निकालते हैं तो हम उसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, बनाना पड़ेगा हमको। बी में दिया है, यदि वो हर महीने के लास्ट में 3,000 निकालते हैं तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। और सी में दिया हुआ है, अगर वो अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट निकालते हैं तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम ए को देखते हैं, ए में जो कंडीशन दी हुई है इसके हिसाब से हम कैसे करेंगे, ठीक है। ए वाली कंडीशन देखते हैं। अब यहाँ पे फीस फिक्स एक अमाउंट दिया हुआ है ना, यहाँ लिख लेते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं, एज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कितना है 3,000 पर मंथ, ठीक है, 6,000 पर मंथ इज विड्रॉ एट द बिगनिंग निकाल रहे हैं, है ना, बिगनिंग निकाल रहे हैं ना, ऑफ द मंथ, है ना, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन कितने में करेंगे, है ना, कितना कितना मंथ का हम निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे 6.5 महीने का, यानी 6, ठीक है। अगर मान लो, जैसा कि हमने पहले ही आपको रूल्स बताया हुआ है ना, कि अगर मान लो फिक्स्ड अमाउंट निकलता है ना पर्सनल यूज के लिए, वो भी बिगनिंग में, है ना, शुरुआत में ही अगर निकल जाता है ना, तो हम कितने मंथ का इंटरेस्ट लेंगे, 6.5 महीने का, 12 नहीं है बेटा, 2 है ना, कितने महीने का इंटरेस्ट लेंगे, 6 महीने का, ठीक है। तो निकाल लेते हैं हम जल्दी से, फर्स्ट से एकदम, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल कितने, 3,000 रुपया शुरू में निकलता है, कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो 12 मंथ के हिसाब से टोटल कैलकुलेशन करेंगे, 3,000 × 12 कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 36,000, है ना। हमको कितना परसेंट निकालना है भाई, 9% निकालना है, इंटू कर लिए यहाँ पे 9/100, ठीक है। अब कितने महीने का निकलेगा भाई, 6.5 महीने का, 6.5 महीने का निकलेगा, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6.5 महीने का, यानी हम इसको लिख सकते हैं 14 भी लिख सकते हैं, ये ऐसा लिख सकते हैं, × 1 × 2 × 12, है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो समझ में आ रहा है, 36,000 × 9 × 13 × 1/100 × 2 × 12, ठीक है। इसको हम कैलकुलेशन में ले लेते हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो पन्ना उड़ रहा है, एक मिनट रुकेंगे, है ना, इस कैलकुलेशन में लेंगे तो कितना आ जाएगा, वन
1755। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट कितना निकल गया, 1755 हुआ। एकदम सिंपल है कैलकुलेशन, तो है एकदम सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है। सेकेंड नंबर में क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन, सेकेंड नंबर देख लेते हैं, यानी बी नंबर है ना। बी में क्या बोल रहा है, बी में अगर वो हर मंथ निकालता है और मंथ के लास्ट में निकालता है ना, मंथ के लास्ट में अगर वो निकाल रहा है पैसा, यानी पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं मंथ के लास्ट में है ना, तो कैसा निकलेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। मंथ के लास्ट में भी निकालेंगे तो 12 महीना तो निकाल रहे हैं है ना, और 3000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने कितना हो जाएगा, उसको लिख लेते हैं 36000 ही होगा, ये तो मालूम है आपको है ना, 36000 इंटू कितना परसेंट निकालना है, 9% है ना, तो 9% इंटू कितना महीने का निकलेगा भाई, लास्ट लास्ट में निकालते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था 5.5 है ना, तो 11/ ये हम ऐसा कर सकते हैं 100 इंटू 2 इंटू 12, ये हमारे फार्मूला में है। ठीक है, ऐसा करके हम इसको निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1485। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट, ये कौन सा हो गया, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया, जब वो कब निकाल रहा है, महीने के शुरू शुरू में निकाल रहा है तो हम ऐसा बनाएंगे, और महीने के लास्ट में अगर वो पैसा निकाल रहे हैं तो हम ये फार्मूला लगा के हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकाल लेंगे। थर्ड क्या दिया हुआ है बेटा, थर्ड में दिया हुआ है अलग अलग डेट पे निकाल रहा है पैसा और अमाउंट भी एक जैसा नहीं है, है ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे बनाएंगे, एक मिनट देखेंगे थोड़ा सा, मैंने बनाया हुआ था। ठीक है, ये है ना, ये कौन सा कंडीशन है आपके बुक में, सी। ठीक है, सी कंडीशन है ये है ना। सी कंडीशन में क्या बोल रहा है, यदि ड्राइंग हो लेकिन टाइमिंग भी उसकी वैसे कोई फिक्स ना हो और अमाउंट भी फिक्स ना हो, है ना। तो इसमें जैसे दिया हुआ है, देखिए 1 जून 2005 कितना निकला है, 12000 क्वेश्चन देखो आप लोग है ना। तो सबके लिए मैंने अलग अलग कॉलम खींच लिया है बेटा, आप लोग को भी ऐसा खींच लेना चाहिए, डेट जिस डेट पे निकला है अमाउंट ड्राइंग हुई है उस डेट को लिखो। सेकेंड कॉलम किसका रहेगा, अमाउंट का, जितना अमाउंट निकला है फॉर्म से उसको लिखना है। फिर उसके बाद टाइमिंग उसके देखना है, पीरियड लिखना है हमको कि कितने मंथ हो रहे हैं, फिर उसके लास्ट में हम इंटरेस्ट निकालते गए हैं सबका अलग अलग। ठीक है, तो 1 जून को कितना निकला है, 1 जून 2005 को क्वेश्चन देखो अमाउंट निकला है 12000। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि हमारा एंडिंग कौन सा है, हम एंडिंग कर रहे हैं 31 मार्च को, कब कर रहे हैं हम 31 मार्च को है ना। तो 1 जून 2005 टू 31 मार्च 2006 तक हमको मंथ को काउंट करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है हमको। ठीक है, तो अगर हम मंथ काउंट करते हैं 1 जून से 31 मार्च 2006 तक है ना, तो कितने मंथ निकलेंगे आपके, 10 मंथ निकलेंगे। ठीक है, वैसे ही 31 8 2005 से 31 मार्च तक फिर हम काउंट करेंगे तो 7 मंथ निकलेंगे। वैसे ही 30 9 से कहाँ तक, 31 मार्च तक हम काउंट करेंगे तो 6 मंथ निकलेंगे। ऐसा करके हम पूरे मंथ्स को अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, इंटरेस्ट की है ना। तो जो पहला पैसा विड्रॉल हुआ था 12000 जून में विड्रॉल हुआ था 2005 जून में है ना, जिसका मंथ हमने निकाला था, इसको कितने मंथ का निकलना चाहिए इंटरेस्ट, 10 मंथ का। ठीक है, तो 10 मंथ का हमने यहाँ पे लगा दिया, 12000 निकला, 12000 इंटू कितना निकालना है भाई, 9% 9/100 इंटू कितना परसेंट है, 10/12 सॉरी कितने मंथ है, 10/12, तो कितना निकलेगा इसका इंटरेस्ट, 900। वैसे ही 31 8
2005 को 8000 निकला था, इसका मंथ कितना निकला था 7, ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट निकलेगा 8000 इंटू 9/100 परसेंटेज है ये, इंटू कितने मंथ का 7 बाई 12 कितना निकल गया 420, ठीक है। ऐसा करके हम सबका अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ये हमारे इंटरेस्ट निकले हुए हैं सबका अलग अलग। अब फिर उसका पूरे इंटरेस्ट को हमने क्या किया है यहाँ पे टोटल कर दिया है, ठीक है, टोटल किए तो हमारा वन ईयर का सबका इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है। तो अगर ड्राइंग पे हमको इंटरेस्ट निकालना है ना, तो बहुत केयरफुली हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पैसा किस टाइप से निकल रहा है, मतलब महीने के शुरू में निकल रहा है कि महीने के लास्ट में निकल रहा है कि महीने के बीचों बीच निकल रहा है वो पैसा हमारे फॉर्म से, है ना। क्या वो हर मंथ निकल रहा है, अगर हर मंथ नहीं निकल रहा है तो फिर ऐसा निकल रहा होगा जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर मंथ नहीं है, है ना, अमाउंट में भी यहाँ पे सेम नहीं है, लेकिन ये इसके पहले जो हमने ए और बी बनाया है उसमें अमाउंट सेम है, 3000 रुपये, ठीक है, उसमें फिक्स है एकदम, लेकिन इस क्वेश्चन में सी वाले पॉइंट में इस क्वेश्चन के ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हम निकालते हैं, छोटे छोटे कैलकुलेशन हैं ये, आते हैं पेपर में और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में, इजी है, है ना। तो इसलिए इसके और एग्जांपल की प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, है ना, क्वेश्चन बहुत सारे हैं बेटा। तो आप लोगों को अगर बनाने में प्रॉब्लम जा रही है कोई सा भी, तो मेरा नंबर सबके पास में है, आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में, ठीक है, तो मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूंगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं इसको बना के आपको सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। ओके बेटा, स्टूडेंट्स आगे हम बढ़ते हुए अब बनाने जा रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। एक्चुअल में गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, जब पार्टनर्स किसी दूसरे पार्टनर्स को गारंटी देते हैं कि किसी भी हाल में आपका प्रॉफिट इस एक निश्चित अमाउंट से कम नहीं होगा, है ना। जैसे एबीसी पार्टनर्स हैं जिसमें ए और बी ने सी को ये गारंटी दी कि भाई आपका प्रॉफिट करंट ईयर में कम से कम 50000 रुपये होगा ही, है ना, करंट ईयर में। फिर ऐसे गारंटी मिलने पर फिर करंट ईयर के लास्ट में कैलकुलेशन किया जाता है कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ, है ना। तो अगर प्रॉफिट देखते हैं कैलकुलेशन में, अगर सी के हिस्से का प्रॉफिट 50000 से कम होगा, है ना, तो जितना रुपए भी कम होगा उसको कौन देगा, ए और बी उसके प्रॉफिट को पूरा करेंगे। कहाँ से पूरा करेंगे, अपने प्रॉफिट से निकाल के उसको देना होगा, क्योंकि ए और बी ने गारंटी दी हुई है सी को कि प्रॉफिट उनका यानी कि सी का कम से कम 50000 होगा, है ना। तो सी को कितना मिलना चाहिए बेटा करंट ईयर में प्रॉफिट, 50000 मिलना ही चाहिए। अगर मान लो प्रॉफिट 30000 रुपये हुआ तो 20000 कौन पूरा करेगा, ए और बी ही पूरा करेंगे, ठीक है, अपने प्रॉफिट में से दे देंगे उसको। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी प्रॉफिट लॉसेस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, छोटा सा कैलकुलेशन होता है ना, तो इसी को बनाने की कोशिश करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 37 आप देखेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन नंबर 37, है ना, जिसमें देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ आपके बुक में मिल जाएगा ये, है ना। राम और मोहन पार्टनर्स हैं, राम मोहन और सोहन, है ना, ये पार्टनर्स हैं, ठीक है। इनका जो कैपिटल लगा हुआ है वो 5 लाख, 2,50,000 एंड 2 लाख रुपीज़ कंटिन्यू लगा हुआ है, है ना। कैपिटल पर इंटरेस्ट 10%, है ना, कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम, ठीक है, इतना देना होता है। इनका जो रेशियो दिया है वन, राम का है 1/2, मोहन का है 1/3 और सोहन का है 1/6, ठीक है। इस रेशियो में वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को क्या करते हैं, बांटते हैं आपस में, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है राम एंड मोहन, राम और मोहन ने सोहन को ये गारंटी दी हुई है कि कम से कम उसको प्रॉफिट 25,000 का होगा, है ना। राम और मोहन ने किसको दिया गारंटी, सोहन को,
ठीक है। तो यदि 25,000 रुपये की उन्होंने गारंटी दी हुई है, तो यदि सोहन का 25,000 से कम हिस्सा आया तो इसको पूरा कौन करेगा बेटा? राम और मोहन। राम और मोहन दोनों मिलकर उसको क्या करेंगे? पूरा करेंगे, ठीक है। ये गारंटी मिल गई है सोहन को। अच्छा, ईयर के लास्ट में 31 मार्च 2007 को कैपिटल पर इंटरेस्ट देने के पहले जो हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो है 2 लाख रुपए, है ना, 2 लाख रुपीस, है ना। अब हमको क्या करना है, इसमें बांटना है इस प्रॉफिट को और गारंटी को पूरा करना है, ठीक है। तो ये जो मैंने कॉलम खींचा हुआ है बेटा, ये कौन सा कॉलम है? एप्रोप्रिएशन का ही कॉलम है, है ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट वीडियो आप लोग समझ गए होंगे, 2-3 वीडियो हो गई एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हुए, ठीक है। तो देखते हैं प्रॉफिट लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे अभी, और जो गारंटी है उसको फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो ये हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये हमारा पर्टिकुलर है, अमाउंट है, पर्टिकुलर है, अमाउंट है, ठीक है। 4 कॉलम आपको देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टनर्स को जो देना है, है ना, उसको डेबिट साइड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट कब का है? इंटरेस्ट लगाने से पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दे देते हैं पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं 2। डेबिट साइड देख इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा हमको, मालूम होगा आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। हमारे पास पार्टनर हैं, राम के लिए मैं R लिख रहा हूँ, मोहन के लिए M और सोहन के लिए S, ठीक है। इनको कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे हम, ठीक है। राम ने कितना लगाया भाई? 5 लाख रुपए लगाया है और 10% इंटरेस्ट देना है, यानी कितना हो जाएगा ये? 50,000, ठीक है। मोहन 25,000 हो जाएगा, और सोहन का कितना लगा हुआ है? 2 लाख लगा है, 2 लाख का 10% कितना होगा भाई? 20,000, है ना, 20,000। अब इस इंटरेस्ट के अमाउंट को टोटल कर लेते हैं और फाइनली अमाउंट कॉलम में लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 95,000 हो जा रहा है टोटल मिला के, क्लियर है क्या इतना? ठीक। और कुछ देना है क्या पार्टनर्स को? और तो कुछ क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, ना कमीशन दिख रहा है, ना सैलरी, कुछ भी नहीं देना है। तो हमको क्या देना था? कैपिटल पर इंटरेस्ट देना था, जो कि हमने निकाल के दे दिया, क्लियर है इतना। क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं? प्रॉफिट को लिखते हैं, तो जो ईयर भर का प्रॉफिट है उसको लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया है 2 लाख रुपीस, ठीक है, 2 लाख रुपीस लिख लिए, ओके। अब उसके बाद हमको क्या करना रहता है, ये बहुत अच्छे से आपको मालूम है, है ना। इसके बाद हमको बैलेंस निकालना होता है बेटा, ठीक है। तो हम बैलेंस कर लेते हैं जल्दी से, बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हम कॉलम खींच लेते हैं, ठीक है, 2 लाख रुपीज़ है, 2 लाख यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ठीक है, 2 लाख डेबिट साइड इसी को फॉरवर्ड कर लेते हैं, 2 लाख, ठीक है। 2 लाख में अब 95,000 हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो अमाउंट बचता है वो कितना हो जाएगा? 2 लाख में 95,000 हम इसको करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1,05,000, ठीक है, डिफरेंस अमाउंट है 2 लाख माइनस 95,000, ठीक है। अब 1,05,000 आया, इसको हम किनके पार्टनर्स के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट जो हमको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, उसको हम लिखते हैं 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। हमारे पास R, M और S है, क्लियर है ना, R, M और S हैं, ठीक है। अब R, M और S के बीच में 1,05,000 हमको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके शेयरिंग रेशियो में। तो इनका शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा यहाँ पे, है ना, कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन
आर का है, आर का जो हमारे पास दिया है 1/2, ठीक है, और एम का दिया है 1/3, और एस का दिया हुआ है 1/6, है ना। तो हम इसको थोड़ा सा एक फॉर्म में कर लेंगे, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3:1 भी लिख सकते हैं हम इसको, है ना। क्या लिख सकते हैं, 3:2:1, ठीक है, 3:1। अब हम एक 1,05,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। आर, आर का 3:1 में कैसा आ जाएगा, 5, 1, 6, ठीक है। तो 1,05,000, ठीक है, इंटू 3/6, ठीक है। वैसे ही एम का 1,05,000 इंटू 2/6, वैसे ही एस का 1,05,000 इंटू 1/6, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितना कितना आ रहा है भाई इनका हिस्सा, है ना। इसको देख लेते हैं हम, इसका आ जाएगा 52,500, 52,500, इसका आ जाएगा 35,000, और एस का आ जाएगा 17,500। क्लियर है क्या इतना? ठीक, इतना तो है क्लियर। लेकिन ये बताओ, गारंटी कितनी मिली हुई थी एस को? एस को गारंटी कौन दिया था? आर और एम दोनों मिलके गारंटी दिए हुए थे कि इनका प्रॉफिट, मतलब एस का प्रॉफिट कम से कम कितना होना चाहिए, 25,000 होना चाहिए बेटा, है ना। लेकिन एस को मिल कितना रहा है, 17,500। तो कमी कितनी रह गई, डिफरेंस कितना रह गया, है ना। तो 17,500 एस को मिलने वाला था, गारंटी थी कि एस को किसी भी हाल में, एस को किसी भी हाल में 25,000 मिलेगा। ये किसने कहा था? ओल्ड पार्टनर्स ने, ठीक है, आर और एम ने, राम और मोहन ने। लेकिन मिला कितना है, 17,500। तो कितनी कमी हो गई, इसको माइनस करके देख लेते हैं, 17,500, ठीक है। तो वास्तव में एस को कितना कम मिला पैसा, ये मिला 7,500। कितना कम मिला, 7,500। अब इस 7,500 को कौन कौन देगा भाई? दो ही पार्टनर हैं जिन्होंने गारंटी दिया था, कौन कौन? आर और एम, ठीक है, राम और मोहन दोनों मिलके देंगे। अब ये देंगे तो कौन कितना देगा, तो राम और मोहन अपने रेशियो में देंगे। राम का रेशियो कितना है, 3, और मोहन का कितना है, 2। तो ये लोग देंगे, ये 3 हिस्सा देगा और ये कितना देगा, 2। 3:2 में ये लोग देंगे, कितना देंगे, 7,500 को। क्लियर है? तो देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम आर, आर देगा 7,500 में से कितना, 3/5, और एम 7,500 में 2/5, ठीक है। तो कितना कितना निकल रहा है देख लेते हैं, इसका निकल जाएगा 4,500, ठीक है, और एम कितना अपने हिस्से में से देगा, 3,000, ठीक है। तो ये दोनों मिलके किसको देंगे भाई, ये दोनों मिलके एस को, यानी कि सोहन को, ये दोनों मिलके किसको देंगे, सोहन को देंगे बेटा, ठीक है, ओके। तो दोनों का कितना हो जाएगा, 7,500। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमको करना क्या है, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे आर और एम दोनों अपने हिस्से में से पैसा निकाल के किसको देंगे, एस को। तो एस के में क्या करना पड़ेगा, हमको ऐड करना पड़ेगा, कितना, 4,500 और 3,000, दोनों मिला के 7,500, ठीक है, 7,500 ऐड हो जाएगा। आर अपने प्रॉफिट में से कितना पैसा निकालेगा, निकाल के देगा, तो इसके माइनस कर देते हैं, 4,500 दे रहा है ये, और एम कितना दे रहा है अपने हिस्से में से, 3,000। क्लियर है क्या इतना, है ना। तो अब इनका जो प्रॉफिट हुआ वो वास्तव में कितना कितना हो गया, तो देख लेते हैं इसको।
जो पहले प्रॉफिट हो रहा था, है ना, जो पहले प्रॉफिट हो रहा था वो हो रहा था 52,500 में से 4,500 अगर आर यानी कि राम निकाल के किसको दे दिया, सोहन को दे दिया, है ना, एस को सोहन को दे दिया, तो उसके पास कितना बचता है 48,000। तो आर को वास्तव में कितना मिलेगा बेटा, 48,000। क्लियर है क्या? वैसे ही एम को कितना मिलेगा, यानी मोहन को, मोहन को पहले मिल रहा था 35,000, जिसमें से वो अपनी गारंटी के दिया था उसके हिसाब से पैसा निकाल रहा है 3,000, तो अब उसको कितना मिलेगा, मोहन को, मोहन को मिलेगा 32,000। ठीक है, उसके बाद सोहन की बारी आती है, तो सोहन को जो रियल में मिल रहा था 17,500, लेकिन इसको गारंटी है कि कम से कम इसका प्रॉफिट 25,000 होगा, तो ये दोनों ने दिया तो इसके में क्या हो गया, वो ऐड हो गया, तो इसको कितना हो जाएगा बेटा, जितना इसको गारंटी है 25,000। ठीक है, तो ऐसा हमको गारंटी का क्वेश्चन क्लियर करना होगा। ठीक है, ओके बेटा।